नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पांच फ्री सॉफ्टवेयर देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। एजुकेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं आप एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशनल वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। उसमें मैंने लैपटॉप से भी बनाना सिखाया है और मोबाइल से भी। तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले थे वो पांच फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे जिसका इस्तेमाल करके आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप लिखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आप अपने क्वेश्चन को दिखा सकते हैं और नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप पावर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेशन चैनल अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट सभी कंप्यूटर में जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है जब आप पीसी को परचेज करते हैं। अगर नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप किसी नियर बाय शॉप में जाकर के आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए अब लिखने से रिलेटेड हम दूसरा सॉफ्टवेयर जान लेते हैं। अगर आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आप शॉप में भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर में पूरा एक डिजिटल बोर्ड का जो है आपको फील देगा। इसके अंदर आप बहुत सारे फीचर बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। इसके अंदर आप इमेज फाइल जितने भी होते हैं उसको आप क्वेश्चन में बना करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। प्लस में आप इसमें पीडीएफ भी इसमें डायरेक्टली आप इंपोर्ट करके इसमें जो है बोर्ड के ऊपर शो करा सकते हैं। तो अगर आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ओपन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स है, तो इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं होगा। इसका डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो तीसरा सॉफ्टवेयर भी लिखने से रिलेटेड है। तो तीसरा सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो है ओपन नोट। ओपन नोट माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये भी बिल्कुल आपको पावर पॉइंट जैसा ही दिखेगा। और इसके अंदर भी आप जो है पीडीएफ को इम्पोर्ट कर सकते हैं और इमेज फाइल को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको लिखने का भी फीचर दिया जाता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल ऑनलाइन क्लास देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पावर पॉइंट से बहुत अच्छा क्लास रिकॉर्ड होता है, जिस तरह की आप ये देख पा रहे हैं। ये पावर पॉइंट में बनाया हुआ क्लास है, तो आप भी इस तरह से क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं पहले और स्लाइड बाय स्लाइड बना सकते हैं और ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि हम इसमें तो अपना क्लास दे लेंगे, लेकिन हम स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हम लैपटॉप से क्लास देने वाले हैं तो हम स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए कोई फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप OBS इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि OBS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल फ्री है। और इसका इस्तेमाल आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कभी आपको YouTube पर लाइव क्लास देना हो, उसके लिए भी आप OBS का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप OBS में आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। प्लस में इसमें आपको जो है YouTube पर लाइव करने के लिए भी फ्री में मिल जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं और अपने क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि पूरा सेटअप किस तरह से किया जाता है एजुकेशन चैनल के लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन से लेकर के पावर पॉइंट में कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, सभी चीज़ें मैंने इसमें बता रखा है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिया, अपना क्लास रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन अब हम इसे एडिट कैसे करें, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी गलतियां भी करी है। शुरुआत में हमने कुछ गलतियां करी है, कुछ लास्ट में बोलने में गलतियां करी हैं, कुछ बीच में हैं, तो उसको हम काट के किस तरह से हटाएं? तो इसके लिए भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ओपन शॉट। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना होता, कोई ट्रायल पीरियड नहीं है इसका। इसका इस्तेमाल आप हमेशा के लिए फ्री में कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा एडिटिंग का फीचर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इसमें आप रॉन्ग पोर्शन को काट के हटा सकते हैं और थोड़े बहुत इफेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, थोड़े बहुत ऑडियो सेटिंग कर सकते हैं। और विदाउट वाटर मार्क के आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं। आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं या आप कहीं क्लास दे रहे हैं तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप ट्रायल पीरियड में भी करते हैं तो उसके अंदर वाटर मार्क आता है और उसका इस्तेमाल लिखा रहता है कि आप उसका कॉमर्शियली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर थे जिनका इस्तेमाल आप लिखने से लेकर के रिकॉर्डिंग से लेकर के आप एडिटिंग तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सारा काम तो हमने कर लिया, लेकिन हम थंबनेल किस तरह से बनाएं, क्योंकि मोबाइल में जो है थंबनेल ठीक तरीके से नहीं बन पाता है, तो इसके लिए भी जो है फोटोशॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और फोटोशॉप आप खरीदना नहीं चाह रहे हैं, तो फोटोशॉप का ही एक कॉपी वेबसाइट है,
जिसके अंदर आप जा करके इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल फ़ोटोशॉप जैसा ही चलता है और बहुत सारे फ़ीचर फ़ोटोशॉप के ही उसके अंदर दिए गए हैं, तो वहाँ जा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सारे फ़ीचर फ़ोटोशॉप वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम फ़ीचर आपको फ़ोटोशॉप का वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। या फिर आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवा भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप थंबनेल और पोस्टर बना सकते हैं, वहाँ से भी आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए आप अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जाना जिसका आप फ्री में इस्तेमाल करके आप एक एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन सभी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप अपने एजुकेशन चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे अपलोड भी कर सकते हैं। एजुकेशन चैनल से रिलेटेड और भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले भी बना रखे हैं, उसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।